वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग का कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और आई थिंक दिस इज द सेट थ्री। ये तीसरा सेट है, यानी इसके पहले सेट वन सेट टू जा चुका है, और सारे सेट में लगभग 17-18 के आसपास या 20 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। यानी आज के सेशन के बाद आपके पास 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट जा चुका है, यानी 60 क्वेश्चन हो चुका है। और नेक्स्ट जो है अगले क्लास में हम लोग सेट फोर देंगे और वो लास्ट होगा, और सेट फोर में लगभग 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 100-110 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें कुछ क्वेश्चन ना रिपीट हो गए हैं। रिपीट होने का मतलब, मान लो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाए, कुछ खुद से हम बनाते हैं, कुछ बुक से उठाए, नेट से उठाए, तो जो कलेक्शन करते हैं ना उसमें कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिपीट होगा। तो उससे आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, आपके पास नेट जो है वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें हम क्या किए, प्रीवियस ईयर PYQ सारा ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, कुछ नया ऑब्जेक्टिव हम दे चुके हैं, और ये पहली बार हो रहा है। चलो, सेट फोर के बाद आपको जाएगा एक सेट फाइव। सेट फाइव में स्पेशल परस्पेक्टिव ड्राइंग के बारे में बताएंगे, और सेट सिक्स में ऑटो कैड के बारे में। तो टोटल 7 सेट में बिल्डिंग ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा, स्पेशल 10-12 क्वेश्चन परस्पेक्टिव ड्राइंग से और स्पेशल 10-12 क्वेश्चन ऑटो कैड से। तो हम लोग का बिल्डिंग ड्राइंग का पूरा सिलेबस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, 70 नंबर सिलेबस आपका कंप्लीटेड है। कुछ एडिशनल जो वीडियो आपको जरूरी है, जो आपको सीख कर जाना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, वो RCC और परस्पेक्टिव है, जो हम आपको सिखा दिया करेंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास टोटल 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और कोशिश करेंगे कि कम समय में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दें। देखो बच्चा, यहाँ पे जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर हम सबसे लास्ट में देंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लोगे वो भी आप सबसे लास्ट में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन सेकंड से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर दिए हैं और यहाँ पे कुछ करेक्शन है वो हम करवाना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, आर बिल्डिंग हैविंग मोर देन फोर स्टोरी। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, मल्टी स्टोरी का मतलब होता है बहुमंजिला इमारत। आर द बिल्डिंग हैविंग मोर देन फोर स्टोरी हाइट, आर देन उसका हाइट कितना होगा। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैविंग मोर देन फोर स्टोरी हाइट मोर देन, तो यहाँ पे उसका हाइट है पूछ रहा है वो कितना होगा। मतलब क्वेश्चन को समझना कि एक बहुमंजिला इमारत है, एक बहुमंजिला क्या है, इमारत है, बहुमंजिला इमारत जिसका ऊंचाई पूछ रहा है, और वो फोर स्टोरी बिल्डिंग है। अरे क्वेश्चन समझा क्या बोल रहा है, कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर बिल्डिंग हैविंग मोर देन फोर स्टोरी उसके बाद कॉमा हाइट मोर देन, हाइट कॉमा दे लेना यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे कॉमा होगा, हाइट मोर देन, हाइट उसका होगा वो कितने से ज़्यादा होगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है, मान लो कि बिल्डिंग है मल्टी मोर देन फोर, तो चार से ज़्यादा मतलब उसका स्टोरी कितना होगा। अरे मोर देन फोर का मतलब फाइव स्टोरी बिल्डिंग होगा। अरे समझा ये चीज़, कह रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर द बिल्डिंग हैविंग मोर देन फोर स्टोरी, तो चार से ज़्यादा स्टोरी, 4.1 पॉसिबल है, 4.2 पॉसिबल है, 4.3 पॉसिबल है, 4.4 पॉसिबल है, नहीं, चार मंजिला के बाद पांच मंजिला मकान होता है, तो पांच मंजिला मकान का ऊंचाई कितना होगा। तो एक जो मकान होता है वो कम से कम 3 मीटर के आसपास रखते हैं, मिनिमम होता है 2.75। आप 2.75 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, आ जाएगा आपको आंसर। वैसे एक मंजिला का इमारत 3 होता है, तो यहाँ पे 15 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ए होगा 15 मीटर। ठीक है, कि चार मंजिला से ज़्यादा जो भी मकान होता है उसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोलते हैं, और जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है उसका ऊंचाई जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 15 मीटर। चलो सीखने को मिला नया कुछ, तो 15 मीटर जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी करेक्ट आंसर इसका ए होगा। ठीक है, चलो छोटू आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द ड्यूटीज ऑफ ए ट्रेसर। ट्रेसर पहले ये समझ लो किसको कहते हैं, हु इज द ट्रेसर, किसको बोलते हैं। कोई ट्रैक्टर मत पढ़ लेना, अरे गधा, सही से पढ़ना, ट्रैक्टर कोई नहीं पढ़ लेगा, इसको क्या पढ़ेगा, ट्रेसर। ट्रेसर तुम लोग सुना है, ट्रेसिंग पेपर, नाम सुना ट्रेसिंग पेपर। तो ट्रेसर एक पर्सन होता है, क्या होता है, एक पर्सन, आदमी होता है, पर्सन होता है, जो क्या करता है, बिल्डिंग का नक्शा बनाता है, बिल्डिंग का नक्शा को ट्रेस करता है। मान लो कि हमको बिल्डिंग का नक्शा आता है बनाना, तो एगो पेपर पे हम बना दिए, बना के बोले ना इसका हूबहू तुम एगो कॉपी बना के कस्टमर को दे दो। ध्यान से सुनना बोलना हम क्या बोल रहे हैं। एक ट्रेसर वो होता है जो क्या करता है, मेरे द्वारा बनाया गया जो भी बिल्डिंग का नक्शा होगा उसको दूसरा कॉपी पे छाप देगा, मतलब ये छापने वाला होता है। ट्रेसर को थोड़ा बहुत आइडिया बिल्डिंग ड्राइंग का होता है, टू ट्रेस ड्राइंग ऑन ट्रेसिंग पेपर, सही बात है, ये ट्रेस करेगा।
टू इंक और कलर ड्राइंग, वो इंक करेगा, कलर करना होगा तो कलर करेगा। मान लिया हम पूरा नक्शा बना दिए, बोले इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दो, कलर वगैरह कर दो, इंक डाल दो, कर देगा वो। टू मेक अमोनिया और ब्लू प्रिंट, अरे वो ब्लू प्रिंट कर देगा, जो नक्शा हम दिए उसी का कॉपी कर देगा। तुम लोग देखा है कभी कभी रसीद काटते समय वो कार्बन पेपर डालते हैं, उसी को बोलते हैं अमोनिया प्रिंट या ब्लू प्रिंट बोला जाता है उसी को, ठीक है, ब्लू प्रिंट। तो ऑल ऑफ द एबव होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चा इसका करेक्ट आंसर? ऑल ऑफ द एबव। एक ट्रेसर एक पर्सन होता है जो ट्रेसिंग करता है, ट्रेसिंग का मतलब जो हम नक्शा बना के दे दिया ना उसका कॉपी करेगा, ठीक है, या उसको थोड़ा बहुत नक्शा बनाने का आइडिया होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नया सीखने को मिला ना, यही सब बोल रहे थे। हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड एज, हॉस्पिटल किस में आएगा? तो सर ये एक असेंबली बिल्डिंग में आएगा, ठीक है, एक असेंबली बिल्डिंग में आएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में नहीं आएगा, मर्केंटाइल में नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल में नहीं होगा, ठीक है, किस में आएगा? असेंबली बिल्डिंग में आएगा। बिल्डिंग ड्राइंग में आप पढ़ चुके हो, असेंबली बिल्डिंग में आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्विस एरिया, सर्विस एरिया जो है इनमें से कौन सा नहीं होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्विस एरिया नहीं होगा। देखो मेजर जो होता है वो तीन एरिया होता है, मेजर तीन एरिया होता है, ध्यान से सुनेगा बच्चा। घर जब बनाओगे तो मेजर तीन एरिया होगा। पहला स्लीपिंग एरिया मेजर होता है, स्लीपिंग एरिया। दूसरा लिविंग एरिया। तीसरा सर्विस एरिया। जैसे बैल्कोनी हो गया, लिफ्ट हो गया, स्टेयर हो गया, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, ये सर्विस प्रोवाइड करता है। वैसा एरिया जो लिविंग को और स्लीपिंग को सपोर्ट करे उसको सर्विस एरिया बोलते हैं। स्लीपिंग एरिया हो गया बेडरूम, लिविंग एरिया हो गया लिविंग रूम या ड्राइंग रूम। तो जो लिविंग रूम और स्लीपिंग रूम को जो सपोर्ट देता है उसको सर्विस एरिया, जैसे गैरेज हो गया, स्टोर रूम हो गया, दीज आर गोइंग टू बी द सर्विस एरिया। तो बेडरूम आंसर नहीं होगा, किचन, टॉयलेट, डाइनिंग, ये सब होगा, ठीक है, ये सब दीज आर गोइंग टू बी द सर्विस एरिया। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो सर्विस एरिया नहीं है? तो सर्विस एरिया कौन सा नहीं है? बेडरूम, लिविंग रूम, ये दो को सर्विस एरिया नहीं है, बाकी कॉरिडोर, बालकोनी सब, ये सब सर्विस एरिया में आएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो यहाँ पे आपको हम इस सर्विस एरिया का थोड़ा सा डेफिनेशन लिखवा दिए। दोज हु आर इंटरेस्टेड टू राइट दे कैन राइट इट। देखना, द सर्विस एरिया सप्लीमेंट्स द लिविंग एंड स्लीपिंग एरिया। जो सर्विस एरिया होता है वो सपोर्ट देता है, सप्लीमेंट का मतलब यहाँ पे सपोर्ट देता है, लिविंग एंड स्लीपिंग एरिया ऑफ ऑफ द हाउस। किचन, लॉन्ड्री रूम, गैरेज, यूटिलिटी रूम, स्टोरेज रूम, दीज आर गोइंग टू बी द सर्विस एरिया। ये सब छोटा मोटा चीज़ आपको जानना चाहिए, इसलिए हम एक्स्ट्रा बता दिया करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग ड्राइंग में थोड़ा बहुत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी क्वेश्चन पूछ दिया करता है। अच्छा, द हॉरिजेंटल अपर सरफेस ऑफ स्टेप, एक जो स्टेप होगा, ये जो स्टेप है ये क्या कहलाता है? सर ये राइजर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सर ये ट्रेड कहलाता है। बस खत्म हो गया। द हॉरिजेंटल अपर सरफेस ऑफ स्टेप, ये क्या कहलाएगा? सर ट्रेड कहलाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, सातवां नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द वर्टिकल मेंबर, यानी मेंबर कैसा होगा? वर्टिकल मेंबर विच इज फिक्स्ड बिटवीन द स्ट्रिंग एंड हैंडरेल टू गिव सपोर्ट द हैंडरेल। मतलब यहाँ पे ये जो सीढ़ी है, ये सीढ़ी के हैंडरेल को सपोर्ट देने के लिए जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? बॉलस्टर। उसको क्या बोलते हैं? बॉलस्टर। इसको क्या बोला जाता है? बॉलस्टर, ठीक है। तो न्यूवल पोस्ट क्या होता है ये बता देते हैं, सॉफिट क्या होता है ये भी बता देते हैं। ध्यान से देखना, पहले न्यूवल पोस्ट और सॉफिट के बारे में थोड़ा जान लो, उसके बाद बॉलस्टर देखना कहाँ गया। ऊपर आओ, देखो ये जो है ना, ये न्यूवल पोस्ट है, राइजर ट्रेड, ये सब सब आप देखोगे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, हाँ दिख ही रहा होगा। मैंने यू कैन मैनेज इट, तुम लोग अब इतना समझदार हो गया कि ये सब चीज़ तो आराम से मैनेज कर लेगा, ठीक है बच्चा। देखना, ध्यान से देखना, देखो ये जो पार्ट है ना, ये क्या कहलाएगा? नोबेल पोस्ट। ये सब क्या कहलाएगा? न्यूवल पोस्ट। ये क्या हो गया? हैंडरेड। ये क्या हो गया? बॉलेस्ट। ये हो गया न्यूवल पोस्ट। जरा सा क्लियर करके फिर से बताने दो, बॉलेस्टर 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 बॉलेस्टर, ये हो गया हैंडरेल, ये हो गया न्यूवेल पोस्ट, ठीक है, राइजर ट्रेड दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सॉफिट किसको बोलते हैं? तो जो बॉटम सरफेस होता है ना उसको सॉफिट कहा जाता है। बॉटम सरफेस कहने का मतलब क्या हो गया सर? कि जो भी यहाँ पे आपको स्लैब वगैरह दिखेगा उसका जो बॉटम सरफेस होगा उसको सॉफिट बोलेंगे। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो दिख जाएगा, देखो ये है न्यूवेल पोस्ट, ठीक है, स्टेप वगैरह दिख रहा है, ये बॉलस्टर है आपको बॉल। देखो सॉफिट जो है वो बॉटम सरफेस, जो बॉटम सरफेस उसका होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉफिट बोलते हैं, ठीक है। देखो बेस्ट स्लैब होता है छोटू, एक स्लैब होता है, देखना यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये स्लैब है, ठीक है,
ये स्लैब है, इस स्लैब को बेस्ट स्लैब कहते हैं, और इसी स्लैब के ऊपर क्या होता है, बना होता है सीढ़ी, इसी स्लैब के ऊपर बना होता है सीढ़ी, ठीक है, ये इसी के ऊपर सीढ़ी बना होता है, ठीक है, अच्छे से समझना, इसी के ऊपर सीढ़ी बना होता है, ये हम बोलना चाह रहे हैं, इसी के ऊपर सीढ़ी बना होता है, इस तरह से कुछ सीढ़ी बना होता है इसी के ऊपर। बॉटम वाला जो सतह होता है ना, उसी को बोला जाता है सॉफिट, इसको क्या बोलते हैं, सॉफिट। अब मैकेनिकल का टीचर बता पाएगा सॉफिट किसको कहते हैं, कभी नहीं बता पाएगा, कोई जन्म में नहीं बताएगा, ये बॉलेस्टर होता है, 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 बॉलेस्टर बॉलेस्टर, और ये होता है हैंड्रेल, ये क्या होता है छोटू, हैंड्रेल, ये हैंड्रेल, ये न्यूवेल पोस्ट, ये न्यूवेल पोस्ट, चलो क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझे, कि सर देयर इज समथिंग कॉल सॉफिट, देयर इज समथिंग कॉल सॉफिट, सॉफिट किधर होता है, तो सर सॉफिट जो होता है ना, वो नीचे वाला जो सतह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफिट, नीचे वाले सतह को सॉफिट कहते हैं। चलो बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट देखना, द पिच ऑफ अ स्टेयर शुड नॉट बी मोर देन, द पिच ऑफ अ स्टेयर शुड नॉट बी मोर देन, किससे ज्यादा नहीं होगा, तो पिच ऑफ अ स्टेयर जो होता है वो 25 से 40 डिग्री के बीच में होता है, 25 से 40 डिग्री के बीच में होता है, तो कभी भी 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, कभी भी पिच है, पिच यानी एंगल है वो स्टेयर का नहीं होगा। तीसरा लेक्चर मेरा देख सकता है, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारा चीज़ें क्लियर होगा, ये वाला तो जल्दी से बता देगा बिना देखे हुए। अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड की प्लान प्लान नेवर ड्रॉन टू ए स्केल लेस देन 1:10,000, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 10,000 याद रखना, 1:10,000, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ एरो हेड शुड बी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, अगर आप मेरा रेगुलर लेक्चर देखते हो तो आप इसका कमेंट जो है वो आप बोलोगे, बता देना कि सर 10 का कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो, या फिर जो आप ऐप में देख रहे हो तो नो नीड टू कमेंट, आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नहीं पता है तो आपको सारा लेक्चर मेरा देखना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका बताओ, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द डोर शुड बी, डोर का जो स्टैंडर्ड हाइट होता है वो कितना होता है, 2.1 मीटर, द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ डोर शुड बी, ये क्वेश्चन इतना बार हम लोग लगा चुके हैं ना, कि मान लो ये दरवाजा है, दरवाजा का जो ऊंचाई होता है ये स्टैंडर्ड ऊंचाई होता है 2.1 मीटर, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, और अगर फीट में बोलेंगे तो लगभग सात फीट। क्वेश्चन नंबर 12, डैम प्रूफ कोर्स जो है वो हम लोग कहाँ नहीं प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, डैम प्रूफ कोर्स इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द डोर ओपनिंग, डोर ओपनिंग के नीचे नहीं दिया जाता है, हाँ विंडो ओपनिंग के नीचे देंगे, अरे विंडो तो खिड़की तो दीवार के बीच में होगा ना, जैसे मान लो कि ये दीवार है तो दीवार के बीच में होता है क्या, खिड़की, तो इधर तो देंगे, डीपीएस यहाँ पे तो रहबे करेगा, जहाँ पे दरवाजा होता है वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं, इज नॉट प्रोवाइडेड, क्यों नहीं प्रोवाइड करते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, तो सर इसके बी इसका मेन रीज़न है कि वहाँ पे सील दिया जाता है, क्या देते हैं, सील लेवल होता है, SILL सील लेवल होता है, दैट्स वाई वी नॉट प्रोवाइड देयर व्हाट DPC, इसलिए हम लोग वहाँ पे DPC प्रोवाइड नहीं करते हैं, बहुत फास्ट करवा रहे हैं, ठीक है। चलो द मैक्सिमम परमिसेबल कवर एरिया फॉर द एरिया ऑफ द प्लॉट बिटवीन कितना हो जाएगा, इसका आंसर बताओ करेक्ट करेक्ट, कि जब 200 मीटर स्क्वायर से 500 मीटर 201 मीटर स्क्वायर से 500 मीटर स्क्वायर के बीच में होगा तो इसका करेक्ट आंसर बताओ कितना होगा, ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, द करेक्ट आंसर गोइंग टू बी 50% जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखना, नेक्स्ट देखना, द देयर इज ए, यहाँ पे थ्री नहीं होगा, देयर THERE, देयर इज ए 0 to 300 ओपन स्पेस बिटवीन टू फ्लाइट इन स्टेयर, इस किस तरह का स्टेयर होगा, ओपन वेल स्टेयर, ओपन यूवेल स्टेयर, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डॉग लेग स्टेयर। ये क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर है ना, इतना बार रिपीट हुआ है कि बार बार क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी इस तरह का कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत बार आप लोग देखे हो, ये सब तो आंसर याद हो गया होगा कि 0 to 30 centimeters होता है वो किस में होता है, डॉग लेग स्टेयर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिटेल ऑफ फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, यानी फाउंडेशन का पूरा पूरा जानकारी हम लोग को किस तरह के मिलेगा, ऑब्टेन फ्रॉम विच, क्रॉस सेक्शन, एलिवेशन ऑफ बिल्डिंग, एलिवेशन, प्लान, ऑल ऑफ द अबव, तो सिर्फ और सिर्फ हमको मिलेगा क्रॉस सेक्शन से, एलिवेशन में फाउंडेशन में ना दिखता है, प्लान में फाउंडेशन नहीं दिखता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसमें देखो कभी कभी बच्चा बिना देखे ऑल ऑफ द अबव देख ला है, मार देता है करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव, नहीं गलती गलती, सिर्फ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रॉस सेक्शन, ऑल ऑफ द अबव नहीं, क्रॉस सेक्शन एलिवेशन में हम लोग को फाउंडेशन में दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द नंबर ऑफ स्टेप इन फ्लाइट
शुड नॉट बी लेस देन 3, ठीक है। तो द नंबर ऑफ स्टेप इन फ्लाइट शुड नॉट बी लेस देन 3, 3 से नहीं होना चाहिए कम, मैक्सिमम 12, 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, अगर गधा है माथा फिरा हुआ है तो 15, 15 से ज़्यादा देगा तो उसको क्या होगा, फांसी की सज़ा। अगर कोई फ्लाइट में 15 से ज़्यादा स्टेप दे देता है तो उसको क्या होना चाहिए, फांसी की सज़ा होना चाहिए। किडिंग, ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको तुम करवा देना, कोर्ट ले जाके फांसी की सज़ा दिलवा देना, ठीक है। मिस्टेक माना जाएगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द कंफर्टेबल। अगर आपको एक कंफर्टेबल सीढ़ी बनाना है तो उसमें 3 से ज़्यादा 12 से कम रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट 17, द डिज़ाइन डेजिग्नेशन ऑफ डोर 12DS21, D मतलब डोर, S मतलब सिंगल की डबल, S का मतलब सिंगल की डबल, तो सर सिंगल, सर डबल के लिए क्या यूज़ करेंगे, डबल के लिए T यूज़ किया जाता है। अगर WT लिखा हुआ है यानी डबल पैनल का, डबल शटर का विंडो है, अगर WS लिखा हुआ है यानी सिंगल शटर का खिड़की है, अगर DS लिखा हुआ है तो सिंगल शटर का दरवाज़ा है, अगर DT लिखा हुआ है मतलब टू शटर यानी डबल शटर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, S4 सिंगल और T4 डबल, चलो यानी T4 टू मतलब डबल। लास्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ बियरिंग ऑफ ए लिंटेल। जो लिंटेल हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मान लो ये ओपनिंग है और इसके ऊपर आपने लिंटेल प्रोवाइड किया है, तो ये कितना दूर तक अंदर दीवार में बैठा हुआ रहेगा। लिंटेल का बियरिंग होता है 15 सेंटीमीटर, कम से कम कितना होता है छोड़ू, 15 सेंटीमीटर। देखो बियरिंग का मतलब समझो, मान लो कि ये डायग्राम से आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक लिंटेल दिखाई दिया दे रहा होगा, तो ये जो लिंटेल है वो कहाँ पे है, तो दीवार पे रखा हुआ है, दीवार पे रखा हुआ है और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है, तो यहाँ पे कम से कम आपको ये 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, कम से कम 15 सेंटीमीटर, कम से कम जो लिंटेल दिया रहेगा वो कितना रहेगा, तो 15 सेंटीमीटर। चलो बच्चा आगे बढ़ जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, यानी इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब लास्ट में पहला क्वेश्चन, सबसे लास्ट में पहला क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर सुधार लेना, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका क्या किया था, आंसर जो दिए थे वो उल्टा थोड़ा दे दिए थे, उसको सुधार लेना कि जो टाइटल बॉक्स होता है ना, वो टाइटल बॉक्स का साइज़ कितना होता है, बस आ गए हम लोग जस्ट, टाइटल बॉक्स का जो करेक्टेड साइज़ होगा ये सुधार लेना, और जो आज बताने जा रहे हो इसी को आप ज़िंदगी भर याद रखना कि टाइटल बॉक्स का जो लंबाई होता है ना वो ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है, चौड़ाई होता है वो कम होता है, तो पिछले लेक्चर में अगर उसको हम गलत किए तो आप यहाँ पे सुधार लेना। इसका करेक्ट आंसर बी होगा, यानी 1500 mm जो होगा ऐसे टाइटल बॉक्स होता है एज पर IS कोड, ये वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। पिछले क्लास में अगर हम गलत बना है या किए हैं तो उसको आप सुधार लोगे, ठीक है, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो हमको लगा कि हम क्वेश्चन गलत करवा दिए थे, उल्टा बोल दिए थे, तो इसको सुधार लेना। 1500 × 100 mm होता है टाइटल बॉक्स का साइज, चलो ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द सम अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।